जी वेलकम बैक टू अनदर क्वेश्चन आंसर सेशन। आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चन जो कि मुझे रिसर्च और करियर गाइडलाइन के हवाले से ज़्यादा मसूल हो रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग टू कवर दैम वन बाय वन, और कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में एक क्वेश्चन को रखूँ ताकि उसका जो रेलिवेंट आंसर है वो आपको उस वीडियो में मिल जाए। टुडे द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द करियर चॉइसेस फॉर अ स्टूडेंट हु हैव डन हिज ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री। द क्वेश्चन इज अस्सलाम वालेकुम, आई सॉ योर पोस्ट रिगार्डिंग आस्क क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क दैट हाउ कैन वन पार्टिसिपेट इन रिसर्च वर्क इफ यूनिवर्सिटी डिड नॉट ऑफर एनी research work during BS. Is it possible to be take part in research work for publication if we are not doing any degree? Like I have recently completed my BS with no research work. So she is asking basically कि अगर आपने अपने research work आपकी degree में नहीं है और university आपको नहीं offer कर रही, तो आप किस तरह से अपने profile में research career या research expertise जो है उनको add कर सकते हैं और किसी भी research paper का part बन सकते हैं या नहीं बन सकते। The second question is, second, what are the best option that can you opt for a great career in chemistry after completing my BS with specialization in organic? I see guidance from you regarding this as mashallah you have extensive experience in chemistry. जी थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। और ये एक ऐसा सवाल है जो स्पेसिफिकली पहला सवाल है कि अब हमारी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है बी एस की डिग्री विदाउट रिसर्च एक्सपीरियंस दे रही है, और जब आपको आगे परसू करना होता है तो ये आपको बहुत बड़ा गैप फील होता है कि आपके पीछे से कोई रिसर्च एक्सपर्टीज नहीं रही और कोई ऐसा जो आप लोग लैब वर्क भी नहीं करते, कोई आपका एक्सपीरियंस भी उस तरह से नहीं होता। हमने जब एम एस सी केमिस्ट्री की थी तो हम आधा दिन हमारी थ्योरी होती थी और आधा दिन हम डेली लैब करते थे, और फिर उसके बाद हमने मास्टर्स में पूरा थीसिस और रिसर्च सारा कुछ किया। लेकिन ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटीज़ के पास फंड्स की कमी हुई और केमिस्ट्री क्योंकि वेट लैब होती है और उसमें बहुत सारा केमिकल्स आप डे नोट कर रहे होते हैं, बहुत सारा बजट चाहिए होता है इसके लिए, तो यूनिवर्सिटीज़ ने जब बीएस प्रोग्राम अनाउंस किया तो साथ साथ रिसर्च जो थी उसके ऑप्शन को भी ख़त्म कर दिया। और इवन अब तो जो एमफिल की डिग्री है उसमें भी आपके पास ऑप्शन है कि आप थ्योरी करना चाहते हैं या रिसर्च, और रिसर्च की ऑप्शन बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बिकॉज बीएस लेवल तक भी आपकी रिसर्च होनी चाहिए, बिकॉज बीएस इज आप 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद आप किसी भी अदारे में जॉब करने के काबिल हैं, ये एक हाईएस्ट डिग्री है। और बीए का एन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक्सपेरिमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, इस सब्जेक्ट को बगैर रिसर्च के ऑफर करना एक बहुत बड़ा मैं कहती हूँ कि ड्रॉबैक है। वो यूनिवर्सिटी जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनको ये डिग्री नहीं ऑफर करनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास डिग्री है या आप डिग्री में इनरोल हैं और आप अपने सब्जेक्ट के जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप अपने करियर में आगे परसू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी भी है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप फ्री जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो फ्री कोर्सेज हैं, जो फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, जो फ्री नॉलेज है इंटरनेट के ऊपर पढ़ा हुआ, उसको ऑब्जॉर्व करें, उसको देखें। लाइक जब हम आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैं तो आपके लिए सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, उनका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंस्ट्रूमेंटेशन उनकी क्या होती है, उसमें क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड ऑल दैट। उसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ना सिर्फ आपके लोकल कंटेंट में जो कि इंडिया की तरफ से पब्लिश होगा, जो कि हिंदी में भी हो सकता है, उर्दू में भी, इंग्लिश कंटेंट में आपको बहुत प्रोफेशनल, बहुत सारे प्रोसीजर्स आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो व्हेनेवर यू अपीयर इन अ इंटरव्यू और आप कहीं पर भी जाते हैं एमफिल और पीएचडी के लिए या किसी इंडस्ट्री में जॉब के लिए और यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो आप अपनी स्पिरिट जो है उसको दिखा सकते हैं कि आपने ऑल्दो आपने अपनी लैब में कोई इस तरह से परफॉर्म नहीं किया क्योंकि आपको लैब आपको ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही थी, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने में बड़े एंथुजियास्टिक थे और उसके लिए आपने मुख्तलिफ चैनल्स जो थे उनको एक्सप्लोर किया और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स जो थे उनको सीखा और उनकी डिटेल, उनकी थ्योरी को अलग से पढ़ा, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को अलग से सीखा, और जिसकी बुनियाद पर अब आपको इतना नॉलेज है कि जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को परफॉर्म करने लगेंगी तो आप एक बिगनर की तरह बिहेव नहीं करेंगी, आपको उस इंस्ट्रूमेंट का, तमाम खास किस्म के एक्सपेरिमेंट्स का बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी होगा। और यही वो चीज़ है आपकी सेल्फ लर्निंग हैबिट जो कि आपने अपने इंटरव्यू में, अपनी जॉब में इस चीज को बताना होता है। तो बीए का साइंस स्टूडेंट जिसका अभी तक रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, आपके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि बजाय लैब में जाने के और बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के भी आपको ऐसा नॉलेज ना लेके अब यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर, और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं उनके ऐसे चैनल्स हैं जिस तरह जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनको आप सीख सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर, और इसी तरह क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, सेपरेशन टेक्निक्स हैं, ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, एंड ऑल दैट। ये बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि आप बीएस में भी सीखते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट में भी सीखते हैं, इनको आप वर्सटाइल तरीके से एक्सप्लोर करें और इनको देखें। दूसरा सवाल ये कि अब आप पब्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं, आपके लिए मैंने कहा था बेहतरीन तरीका यह कि आप रिव्यू लिखें जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। अब आपके पास इतने ज्यादा टूल्स आ गए
हुए हैं। मैंने एवेक्साना को एक्सप्लोर किया कि वहाँ से आप अपने रिसर्च टॉपिक, रिसर्च टाइटल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप चैट जीपीटी से आइडियाज़ ले सकते हैं रिसर्च टॉपिक्स का, कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ, मुझे इसमें इमर्जिंग टॉपिक्स जो हैं उनके रिव्यू लिटरेचर के टाइटल्स दो। और आपके पास लिटरेचर फाइंड करने के बहुत सारे टूल्स हैं, साइट, SCIT साइट एक ऐसा टूल है आपको लिटरेचर फाइंड करके देता है, सिमेंटिक स्कॉलर है, उसके अलावा साइ स्पेस सोर्सली है जो कि आपको लिटरेचर फाइंड करके देता है और आपके उस पेपर की समरी भी देता है। और आप AI टूल्स की मदद से अब तो दिनों में लिटरेचर रिव्यू पेपर जो है उसको लिख सकते हैं, मतलब आप आइडियाज़ ग्रैप कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, फिर आप डेफिनेटली उसको ह्यूमन टच देंगे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डालेंगे और 2 से 3 स्टूडेंट्स मिलकर एक अच्छा रिव्यू पेपर जो है लिख सकते हैं। एंड जब आप ये लिख लेंगे तो आप किसी भी सीनियर सुपरवाइजर के पास, सीनियर टीचर के पास जाएंगे तो आप उसको एक ड्राफ्ट, एक लिखा हुआ पेपर देंगे, तो डेफिनेटली वो आपको इसके सबमिशन में हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूबी जो होता है उसके लिए इसको सबमिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जो अच्छे जर्नल्स हैं वो बाज़ुकात नए ऑथर्स के पेपर्स को सर एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो इन दिस वे यू कैन राइट योर रिसर्च पेपर, अपने लिटरेचर रिव्यू के पेपर लिख सकते हैं, अपने आप को इक्विप्ड कर सकते हैं विद द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ऑफ योर सब्जेक्ट। और ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए है, ये स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि केमिस्ट्री की मेरे पास क्यूरी आई। अब दूसरा सवाल ये कि करियर ऑप्शन इसमें क्या हैं। करियर ऑप्शंस केमिस्ट्री को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकल और बायोमेडिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस ज़्यादा हैं। यू कैन गो इन इंडस्ट्री और एज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और लैब असिस्टेंट और किसी भी तरीके से आप वहाँ पर क्वालिटी चेक में आपका रोल होता है और इंडस्ट्री को आपको ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री क्यों ना हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपके लिए जो बेटर करियर चॉइसेस इंडस्ट्री ही है, आप इंडस्ट्री में जाएँ लेकिन आप अपने आप को इक्विप्ड करें विद द टेक्नोलॉजी आल्सो। आप कंप्यूटर के साथ दोस्ती करें, आप डिजिटलाइज किस तरह से किसी भी बिजनेस को करना है विच आई एम डूइंग, इसको सीखने की कोशिश करें और ये इतना मुश्किल नहीं है। आप किस तरह से कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यू कैन ऑफर देम कि मैं ना सिर्फ आपके लैब असिस्टेंट या लैब टेक्नोलॉजिस्ट या आपके क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के तौर पर हेल्प कर सकती हूँ बल्कि या कर सकता हूँ बल्कि मैं आपको आपके बिजनेस के को डिजिटलाइज करने में हेल्प कर सकता हूँ। उस हवाले से मैं कॉन्टेंट क्रिएशन में बहुत हेल्प कर सकती हूँ बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है ये, और आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो सोशल मीडिया पर एग्जिस्टेंस है, वहाँ पर जितना भी कॉन्टेंट आपको अपने प्रोडक्ट के हवाले से लिखवाना है मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, और मैं इन कंपनीज को फ्री में या कुछ कंपनीज के साथ आप इंटर्नशिप करके वहाँ पर फ्री में ये काम कर सकते हैं। या अगर आप इस स्टेज पर हैं कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो अभी से आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। और इंडस्ट्रीज आर लुकिंग, क्योंकि इंडस्ट्रीज डिजिटलाइज हो रही हैं, उनको अपने फील्ड के बच्चे चाहिए जो कि सोशल मीडिया को समझते हों और साथ उनकी राइटिंग एबिलिटीज इस तरह से हो कि उनके प्रोडक्ट्स के बारे में लिख सकें। कोई भी फार्मास्यूटिकल का बच्चा है वो फार्मास्यूटिकल की कंपनी को एज ए राइटर ज्वाइन करे, इंटर्नशिप करे, उनके सोशल मीडिया को मैनेज करने की कोशिश करे, उनके वेबसाइट के लिए उनके ब्लॉग सेक्शन में उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग लिखे। और जब किसी एक या दो कंपनी के साथ आप ये काम कर लेंगे तो आप अच्छी खासी पैकेज पे आप जो है किसी भी कोई भी इंडस्ट्री आपको जो है वो हायर कर लेगी, बिकॉज बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर और बीइंग अ क्रिएटर आपका बहुत बड़ा स्कोप है। फिर आप 6 फिगर आराम से डिमांड कर सकते हैं और वो आपको देंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल या किसी लैब की को संभालने के लिए और वही 3-4 काम जो कि आपने करने हैं और उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है वो करेंगे तो फिर आपके लिए इसमें अर्निंग पोटेंशियल इतना नहीं है। तो अपने आप को इक्विप्ड करें विद द डिजिटल नॉलेज, जो कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और हर सब्जेक्ट के बच्चे के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो इन तमाम चीज़ों को साथ करें और अपने आप को अपस्किल करें और अपनी स्किल्स को ट्रांसफरेबल स्किल्स जो है उनमें कन्वर्ट करें। दीज आर द ट्रांसफरेबल स्किल्स, इसको आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सर्व कर सकते हैं। ये वो स्किल है जो अगर आपको सिर्फ केमिस्ट्री आती है सिर्फ पढ़ा सकते हैं और केमिस्ट्री लैब में जाकर सिर्फ टाइटेशन ही लगा सकते हैं तो दिस इज़ नॉट अ ट्रांसफरेबल स्किल। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप इंडस्ट्री को समझ के, उसकी नीड्स को समझ के, उसके हिसाब से सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है उसको समझ सकते हैं तो ये आपकी आपको आराम से 6 फिगर अर्निंग पर्सन बना सकता है ऑन इन योर अर्ली करियर्स। उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप इंटर्नशिप ढूंढें, और इंटर्नशिप जब आप ढूंढेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी गाइडलाइन मिलेगी। आप सिर्फ आपने अपना जज्बा दिखाना है, आपने अपना थोड़ा सा जो फ्री कोर्सेज हैं उनको लें, सोशल मीडिया क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएट कैसे करते हैं, बीइंग अ कॉन्टेंट क्रिएटर क्या स्ट्रेटजी होती है, किसी भी बिजनेस के लिए कॉन्टेंट स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करते हैं, एंड ऑल दैट। सो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और मेरे क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और इसको उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो कि आपके फील्ड के हैं। आप कभी भी ये मत फील किया करें कि जिस जो चीज़ आपने सीखी है उसे आपका कंपेटिटर या आपका क्लास फेलो सीख लेगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। यकीन मानिए आपके शेयर करने से आपके लिए अल्लाह ताला ऐसी और अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करेंगे कि आप सोच भी नहीं सक रहे होंगे कि आप इस काबिल थे कि वो आपको मिल गया। तो शेयरिंग जो है इसका अल्लाह ताला ने भी आपसे कहा है और शेयरिंग इज़ अ थिंग जिसको मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। एंड यू कैन नॉट ओनली प्रिविलेज इन योर एग्जिस्टेंस सर्कमस्टांसिस विद दिस हैबिट बल्कि उसके साथ साथ आपको अल्लाह ताला इसका आखरत में भी रिवॉर्ड करते हैं। तो शेयर इट विद योर फेलोज विद योर फ्रेंड्स आपके न्यू कलीग्स के साथ हु आर स्टक इन दर करियर एंड हु आर लुकिंग दिस काइंड ऑफ हेल्प। अपने सवाल जो हैं उनको मुझे इनबॉक्स करते रहें, इनबॉक्स में मैं उनको अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। मेरे पेज पे जाएं और वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन जो है वहाँ पर उनको मैसेज करें तो आई विल ट्राई टू कवर देम इन माय अपकमिंग वीडियोस। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।